हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं कैरिकेचर वीडियो कैसे बनाते हैं। मेरी ये वाली प्रीवियस वीडियो है जिस पर मेरे कम से कम 22 से 23 हज़ार व्यूज़ जा चुके हैं, और यहाँ से मैंने कम से कम 15 से 20 क्लाइंट भी ले रखे हैं। यूट्यूब से ही आए हुए थे मेरे पास, तो मैंने उनसे काफ़ी अच्छा अर्न करा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ आपको भी बताया जाए और आप भी अर्न कर सको। तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। पहली चीज़ ये है कि आपको क्लाइंट्स के क्लोजअप फ़ोटोज़ लेनी होंगी, जिसके अंदर से आप फेस को लेकर कैरिकेचर बना सकते हो। एंड जो नीचे का पार्ट रहेगा, बॉडी रहेगी कैरिकेचर की, वो मैं कहाँ से लेता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा, और आपको उसका कोई कॉस्ट पे नहीं करना है। और ओवरऑल मैं आपको बता दूँ कि पूरा कैरिकेचर वीडियो बनाने का आपको 1 रुपये भी कहीं देना नहीं है। और नॉर्मली आप क्लाइंट से 8,000, 10,000, 12,000 रुपीज़ चार्ज कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे बनाता हूँ मैं इस चीज़ को, और मैं आपको एक से एक चीज़ बताता हूँ चलूँगा। तो आप वो नोट भी कर लीजिएगा, और हो सके तो आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ताकि आपको बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो मॉनिटर में देखते हैं। तो जैसा गाइस अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने क्लाइंट का एक यहाँ पर कैरिकेचर बनाया हुआ है वेडिंग के लिए। तो आप अपने क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग मतलब देख सकते हो कि वो हल्दी का बनवाना चाहते हैं, या संगीत का बनवाना चाहते हैं, कॉकटेल का बनवाना चाहते हैं, या फिर किसी भी फंक्शन का बनवाना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पहले हमें ये ड्रेस लेके आना पड़ेगा कि ये कैरिकेचर, नीचे वाला कैरिकेचर आप कहाँ से लेकर आओगे। तो उसके लिए वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ। पहला वेबसाइट है PNG3, यहाँ से आप चाहो तो काफ़ी सारे पहला ही कर लेना क्लिक, और यहाँ से आप PNG इमेज पे चले आना। एंड नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर आप वेडिंग कैरिकेचर्स डालने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वेडिंग्स के कैरिकेचर्स मिल जाएंगे। ओके, तो जैसे कि अगर किसी को इस टाइप का कैरिकेचर चाहिए है ना, और भी बहुत सारे यहाँ पे कैरिकेचर्स बने हुए हैं, तो यहाँ से आपको कोई सा भी कैरिकेचर डाउनलोड कर लेना है। ओके, नॉर्मली आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, और जो मैंने अभी दिखाया था आपको अपने फ़ोटोशॉप पे, वो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि कुछ ये है, यहाँ पर आपको कोई पेमेंट नहीं पे करनी। वैसे ये सब्सक्रिप्शन के लिए मांगते हैं, बट आपको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे यूनिक यूनिक से कैरिकेचर्स मिल जाएंगे, जो कि आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ से बॉडी डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट से फ़ोटोज़ मांगनी पड़ेंगी, ठीक है। उनसे आप जब क्लोज़अप फ़ोटोज़ ले लोगे, तो उनके फ़ोटोज़ को आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये फेस है, ये फेस इस तरीके से आपको निकाल लेना है, और ये निकालने के बाद आपको थोड़ा सा कट कर लेना है, और जो नीचे का एरिया रहेगा उसको आप थोड़ा सा शार्प तरीके से कट करिएगा, ताकि आप यहाँ पर क्रिएट कर सकें और दूर से देखने में पता ना चले कि हाँ ये मतलब क्रिएट करा हुआ है। ऑलमोस्ट एक क्रिएट ही करा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग ना लगे, एक साथ ही लगे। ओके, यहाँ तक करने के बाद आप क्या कर सकते हो, चाहो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन मैं दिखाता हूँ, आप चाहो तो नॉर्मली कैनवा पे चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ अपने प्रीसेट्स बना रखे हैं, जैसे कि मैंने ये वाला कैरिकेचर यूज़ किया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये हल्दी का फंक्शन मैंने यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने मतलब संगीत का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर इंगेजमेंट का पार्ट आ गया, एंड यहाँ पर वेडिंग का पार्ट आ गया। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, वहाँ से एक्सपोर्ट करने के बाद आपको अपने यहाँ पर अपलोड कर लेना है कैनवा में। जब आप कैनवा में अपलोड करोगे, तो नॉर्मली कुछ इस तरीके से ये कैरिकेचर बन के आ जाएगा, और आपको यहाँ पर फिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसे यहाँ फिट करते हो, ये ऑटोमेटिकली जो आपने पहले यूज़ किया वो हट जाएगा, एंड ये यूज़ हो जाएगा। तो आपको सिर्फ हर बार कैरिकेचर बनाना है। जो आप ये बैकग्राउंड देख रहे हो, ये मैंने खुद ही एक एक करके ये क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, देखो ये सब कुछ अलग है, ये सब कुछ अलग है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बैठ कर क्रिएट किया हुआ है, और जाहिर सी बात है कि आपको अगर थोड़ा सा अच्छा अमाउंट अर्न करना है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ 1-2 घंटे का मेहनत है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है। तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और बाकी आप हर बार क्या करोगे, सिर्फ क्लाइंट्स के फेस चेंज करोगे, और फेस को चेंज करके आप यहाँ पर लगा दोगे, और लगाने के बाद आप उनसे फाइनल पेमेंट ले सकते हो। ओके, एक चीज़ और मैं आपको, एक वेबसाइट तो बता चुका हूँ जो कि PNG Tree है, और एक फ्री पिक करके एक वेबसाइट है। यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट फ्री ही मिलेंगे, आधे से ज़्यादा कैरिकेचर्स आपको फ्री ही मिलेंगे। वैसे ये कैरिकेचर का पेमेंट तो मांगते ही हैं, और वो सारे ही मांगते हैं, कमाने सबको ही हैं, लेकिन इनका क्या है कि आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे ना, तो सारा काम हो जाएगा। एडिटर्स का दिमाग अगर चलता रहे तो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन अगर एडिटर दिमाग ना चलाए तो फिर वो एडिटर ही नहीं ना फिर। तो देखिए, जैसे कि ये वाला कैरिकेचर है, जैसे कि अभी ये बोल रहा है कि हाँ गो प्रीमियम, अब हमें ये कह रहा है कि पैसे दो और तमाशा देख सकते हो आप बाद में। आप नॉर्मली क्या करो, इसका
स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करो, इसको फोटोशॉप में ले आओ, और फोटोशॉप में लेकर आने के बाद आप चाहो तो इसको इस तरीके से ले आओ। ओके, लाने के बाद इसको मैं थोड़ा पहले कर देता हूँ। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बस ये वाला पार्ट चाहिए, मैं ये वाला पार्ट कट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने जैसे क्या करा, ये हो गया कट, मैं इसे निकाल लेता हूँ और बाकी जो वेस्ट चीज़ है मैं उसको हटा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मेरे को जो चीज़ चाहिए था वो मुझे यहाँ पर मिल गया है बिना पैसे दिए। ओके, तो इस तरीके से आप पेड से पेड चीज़ भी ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो और अपने क्लाइंटों को आप दे सकते हो। ओके, तो इसी के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें और है वो भी मैं बता देता हूँ। अभी आपने देखा कि मैंने किस तरीके से कैरिकेचर्स वाले वीडियोस को क्रिएट किया है, और ऐसे ही आप फंक्शन बाय फंक्शन फेस चेंज करके अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वरना एक ही फेस काम चल सकता है। बस आपको क्या करना है, नीचे का जो पार्ट रहेगा कैरिकेचर्स का, जो बॉडी रहेगा, वो आपको चेंज करते रहना है। एंड लास्ट चीज़ कि आप मुझसे ये पूछोगे कि हम क्लाइंट के फेस को किस तरीके से कार्टून वाले स्टाइल में लेकर आए, क्योंकि मेन चीज़ तो वो भी है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, देखिए मेरे पास तो आईफोन है, तो आईफोन के अंदर मैं एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू करता हूँ, जिसका नाम है पिक्स टून करके है। तो टून आर्ट करके एक नाम है, जो कि आपको क्रोम पे भी मिल जाएगा, वेबसाइट भी है, वहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा चीज़ आपकी अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन से भी कर सकते हो, तो आपके पास आईफोन हो या फिर आपके पास एंड्रॉयड यूज़र हो, आप दोनों से ही कर सकते हो। उसके अंदर नॉर्मली आपको क्या करना है, क्लाइंट्स के फेस को क्लोज़अप फ़ोटो लेनी है और उसको आपको वहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद क्या करना है कि वो आपको कार्टून बनाकर दे देगा। ओके, फिर आपको अपना दिमाग चलाना है और उसको फेस को कट करके यहाँ पर कैरिकेचर की बॉडी पे लगा देना है। तो छोटा सा काम है, कर कर आराम से पैसे अर्न कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वाले वीडियो को भी एक बार चेकआउट कर लो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से बैकग्राउंड रहता है ना। वरना क्लाइंट कहेगा कि मैं साउथ का हूँ, तुम बना के पंजाबी दे रहे हो, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो थोड़ा सा मेहनत करो और थोड़ा सा कोशिश करो कि क्रिएटिविटी बना सको। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा लास्ट में, कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको थोड़ा बहुत भी ठीक लगा हो। और आप मुझे ये भी बता सकते हो कमेंट में कि क्या मैं इससे रिलेटेड आगे और वीडियो बनाऊँ, या फिर अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आई हो तो मैं एक थोड़ा सा लंबा वीडियो बना दूं, ताकि आपको थोड़ा सा और डिटेलली समझ में आ जाए। तो इसी के साथ मैं वीडियो करता हूं एंड। नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट वीक पे, और जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप फ्रीलांसर्स क्लाइंट्स लेकर आओगे, मतलब ऑन सीजन हो, ऑफ सीजन हो, कोई सा भी सीजन हो, बट आपके पास क्लाइंट खुद पे खुद आएंगे, ना कि आप किसी को बोलोगे कि मुझे काम दो, वो आपको खुद काम देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मैं बताता हूँ कहाँ से क्लाइंट लेकर आते हैं। तो फ्रीलांसर्स कुछ नया करते रहो।